शिमला के रिज मैदान पर बाहरी राज्यों के कारोबारियों के स्टॉल लगाने को लेकर शिमला लक्कड़ बाजार के कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कारोबारियों ने लक्कड़ बाजार बंद कर शिमला जिला प्रशासन के खिलाफ रोष रैली निकाली और रिज मैदान पर लगाए गए स्टॉल को तुरंत हटाने की मांग की। कारोबारियों का कहना है कि रिज मैदान पर एक ऐतिहासिक धरोहर है और देश विदेश से लोग यहाँ इसकी प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए पहुँचते हैं, ना कि रेड़ी फड़ी और गंदगी देखने। ऐसे में रिज मैदान पर दुकानें नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ ये दुकानदारों की लड़ाई नहीं है, ठीक है, ये जो मेला लग रहा है इससे सबसे पहले आप देखो कि जो फोटोग्राफर है, 100 से 150 फोटोग्राफरों के परिवार जो अभी बिल्कुल सड़क पे आ गए, कितने सालों से वो बैठ रहे थे, जो लोकल रेजिडेंट है, आपके हमारे बच्चे हैं, परिवार हैं, हम बचपन में क्या देखने जाते थे वहाँ पे, सनसेट और पहाड़ देखने जाते थे, अब क्या दिखता है वहाँ पे, मेला और गंदगी दिखती है। बाकी ये प्रोटेस्ट है जो ये आज हम ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिमला लक्कड़ बाजार कारोबारी एसोसिएशन ने आज विरोध स्वरूप बाजार में पूरे दिन के लिए बंद रखा और कहा कि रिज मैदान पर पिछले कुछ समय से जिला प्रशासन मेरे लगा रहा है, जिससे रिज मैदान की खूबसूरती खत्म हो रही है, जबकि हाईकोर्ट ने हेरिटेज क्षेत्र में इस तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है, बावजूद इसके दुकानें लगाई गई हैं। रिज पर दुकानें लगाने से लक्कड़ बाजार के कारोबारियों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है, साथ ही इसके कारण रिज मैदान गंदगी का आलम है और रिज की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ गया है। पिछले साल भी कारोबारियों ने प्रशासन के समक्ष मुद्दा उठाया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अगर प्रशासन ने अब भी रिज मैदान से मार्केट नहीं हटाई तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। गुहार लगा रहे थे कि जो आप रिज के ऊपर मेला लगाते हैं और ये जो इलीगल फड़ी वाले बैठे हैं इनको हटाओ, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा आश्वासन दिया कि जी हट जाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। रिज पे ये जो मेला लगाते हैं और ये जो फड़ी लगाते हैं, इससे क्या होता है, हमारे को लक्कड़ बाजार के जो 200 दुकानदार हैं आज तक बड़े अच्छी तरह से खा पी रहे थे, सब काम होता था, मशहूर था लक्कड़ बाजार, पर जब से ये मेला लगना शुरू हो गया और ये फड़ी वाले बैठ गए हैं तो आप झूठ मानेंगे कि लोगों को खाना खाने की मुश्किल हो गई है। 200 दुकानदार के पीछे कोई 2000 लोग और होते हैं, उनका परिवार होता है, खाना चलता है, पर इन्होंने हमारी बात कोई सुनी नहीं कि जी अच्छा हो जाएगा, नहीं होएगा। अगर देखिए बाहर से लोग आते हैं, रिज एक ऐतिहासिक मैदान है, रिज पे लोग आते थे घूमने देखने को, फोटोग्राफी करने, अच्छा लगता था, खुला लगता था, अब इन्होंने वो चाइना बाज़ार बिठा दिया उधर, साथ में वो खाने पीने का बिठा दिया। अब चाइना बाज़ार में अगर दिल्ली या कहीं से भी बाहर भारी राज्य से लोग आते हैं तो वो सिर्फ वो 200 रुपए की टी शर्ट खरीदने या वो चाइना का माल लेने या वो चूरन की गोलियां लेने थोड़ी आएंगे कोई। वो हमारा कहने का मतलब है ये जो लोग हम सामान बेचते हैं अगर वो हमसे खरीदेंगे तभी हम कुछ सक्सेसफुल होंगे। तो इनको इनको बोला गया, इनको समझाया गया, नहीं ये नहीं मानते हैं। तो अगर आपने यही बाजार लगाना कहीं और लगा दो, नीचे लिफ्ट की पार्किंग पे लगा दो, आपने लगाना ही है। तो देखिए आप, एक बात है कि जैसे बाहर से लोग आते हैं कुछ खाने आते हैं तो नूडल सिड्डू तो उनको वहाँ भी मिल जाएगा या मोमोज वहाँ भी मिल जाएगा, और ये जो चाइना मार्केट का बाज़ार है इसकी वजह से लक्कड़ बाजार रिज की सुंदरता का तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो टेंट ऐसे लगा देते, हमने पिछली बार भी, आप देखिए झूठ मानेंगे, आपके फोटो उसमें भी होगा, मीडिया में भी, कि लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, अपने अंडरवियर सुखा रहे हैं रिज के ऊपर और जो पानी जाता है उसमें नहा रहे हैं लोग। तो हमने इनको सब कुछ बताया पर कोई हमारी इस